नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, जो आज हम बात करेंगे जिस सब्जेक्ट के बारे में, वो बहुत ही अंडररेटेड सब्जेक्ट है। आज माइक यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कि आवाज़ को कोई दिक्कत ना हो। कल के वीडियो के लिए सॉरी है। और एक और रिक्वेस्ट है कि मेरा 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, हम तो जल्दी से जल्दी उसको कम्प्लीट कर दीजिए। देखिए, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में आपको बताऊँ तो रीजनिंग का जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2018 से लेकर 22 तक, तब तक प्री में पैटर्न चेंज था, लेकिन जब 2022 का मेंस हुआ है तो उसके मेंस में गजब का पैटर्न आया है। मैं आपको बताऊं कि मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलनी चाहिए थी और उनको मिली है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट सिर्फ रीजनिंग की वजह से, क्योंकि रीजनिंग में उन्होंने कोई 22 सही करके आया है, कोई 21 सही करके आया है, कोई 20 सही करके आया है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जबकि अगर मेरी आप पुरानी रीजनिंग स्टडीज की वीडियो देखिए, मैंने वो सारे टॉपिक्स बता रखे थे कि हाँ भाई, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है मेंस में। ठीक है, मैं उन टॉपिक्स को यहाँ पर लिख के रखा हूँ आपके लिए, और इन टॉपिक्स को मैं आपको एक बताऊंगा कि मेंस में इन टॉपिक से, हर एक टॉपिक से कम एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। आप टॉपिक का नाम सुन लीजिए, इसके लिए आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। इसका मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना के, जो बेस्ट टीचर्स का प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसका प्लेलिस्ट बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे छोड़ रखा है। टेलीग्राम चैनल से जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं, या तो आप रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं वहाँ से। ऐसे मैंने पूरा एक कोर्स का भी प्लेलिस्ट डाल रखा है, और जो ये चैप्टर्स हैं स्पेशल चैप्टर्स, इनके कोर्सेज भी वहाँ पर डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। फिर भी आप सुन लीजिए कि कैसा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असर्शन, स्टेटमेंट इंटरफेरेंस, डेटा इफिशियंसी के दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्लड रिलेशन के दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेटमेंट और इफेक्ट, स्टेटमेंट रीजन, सिलोलिज्म, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बोला था भैया, बैंक का जो क्लर्क का पेपर है आपका IBPS का, जरूर लगा के जाना, उसी से क्वेश्चन आएंगे। देखो, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन आए हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप मेरा रीजनिंग का पुराना स्ट्रेटेजी जाके देख लीजिए, एग्जाम से पहले का मैंने सब बता रखा कि ये सवाल सवाल जरूर आएंगे। और एक आ रहा है अब भैया, ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि बीच में एकदम बंद हो गया था, फिर से आने लगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये जो कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं जिससे SSC कॉल पूछ रहा है, और आप अगर ये करके नहीं जाएंगे तो आप भी इंस्पेक्टर की जगह टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में आपको 30 में से कम 28 सवाल सही करके आना है मेंस के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ रीजनिंग करना कैसे है। रीजनिंग आपको जो चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मैंने आपके टेलीग्राम जो चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से उस प्लेलिस्ट से जाके सारे चैप्टर्स को पढ़ लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप जब मॉक दे रहे हैं, जब आप मॉक दे रहे हैं भैया, तो मॉक में क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जैसे आपके अगर डाइस का क्वेश्चन गलत हो रहा है, एक बार दो बार डाइस का क्वेश्चन गलत हो गया, तो तुरंत यूट्यूब पे जाइए, डाइस चैप्टर सर्च करिए, पूरा डाइस चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर मॉक में आपके सवाल गलत नहीं होंगे। ओवरऑल समराइज करके मैं बताऊँ तो मॉक टेस्ट में आपकी जो भी गलती हो रही है, मॉक टेस्ट में जिस चैप्टर का सवाल आपका गलत हो रहा है, उस चैप्टर को यूट्यूब से जाके पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर से आगे बढ़िए। ठीक है, इसी तरह आप मॉक दे देंगे अपना रीजनिंग क्लियर कर लेंगे, उसी चिंता मत करिए। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए मेन से पहले पहले, तभी आपको ये 90 में से 86-85 नंबर देके जाएंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपका भी रैंक कम हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, जो मेरे दो दोस्त हैं ना, नाम नहीं बताऊँगा, एक ने 22 सवाल सही किए हैं और एक ने 24 सवाल सही किए हैं। ठीक है, 24 सवाल जिसने सही किया उसको मिला है टैक्स असिस्टेंट, और 22 सवाल जिसने सही किया रीजनिंग में उसको मिला है PA पोस्टल असिस्टेंट। दोनों का मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का स्कोर सेम है बिल्कुल, GK का स्कोर भी लगभग सेम है, लेकिन इन दोनों के नंबर का डिफरेंस शायद 7 या 8 नंबर है, 7 या 8 नंबर का डिफरेंस है दोनों के नंबर में, 7 या 8 नंबर का डिफरेंस है। और मैं बताऊँ, एक का रैंक 14,000 है और एक का रैंक 6,000 है। सोच लीजिए, 8,000 रैंक का गैप है 4 से 7 नंबर में, और सिर्फ रीजनिंग के 3 सवाल उसने ज़्यादा सही किए हैं उससे। तो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में लेके मत चलिएगा, अच्छे से तैयारी करिए। कोई और दूसरा डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।